कोसी कला में बसपा से टिकट फाइनल होते ही समर्थकों ने दी प्रत्याशी को बधाई। कोसी कला में नगर निकाय चुनाव आते ही शहर में नगर निकाय चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उम्मीदवार हर तरफ अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी के द्वारा टिकट फाइनल ना होने पर उससे पहले ही निर्दलीय पर्चा भरकर शहर में और भी चर्चाओं का विषय बन गया है। रविवार को बहुजन समाज पार्टी से रामहरि को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा से रामहरि यदुवंशी का टिकट फाइनल होते ही पार्टी के समर्थकों एवं नगर के लोगों का बधाई देने का तांता शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामहरि का कोसी कला पहुंचते ही समर्थकों एवं नगर के लोगों ने उनका माला पटका और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान रामहरि यदुवंशी ने कहा कि नगर में हर तरफ गंदगी का आबार लगा हुआ है, अगर जनता ने मुझे अपना सहयोग प्रदान किया तो मैं जनता के लिए हर समय तैयार रहूंगा और नगर में ही समस्याओं का जल्द ही निपटारा कर सभी नगरवासियों को एक सूत्र में बांध कर कार्य करता रहूंगा। जो भी काम होते हैं एकता की गंदगी की वजह से नहीं हो पाते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हम अपने नगरवासी हैं तो सब में एकता अरे पहले पैदा करें। जब हम एक होंगे तो छोटा हो या बड़ा काम हो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, चूँकि सभी जब साथ होंगे तो काम बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और अब आज नगर पालिका की हालत देख रहे हैं कि ज़्यादा खराब है। नहीं, मुझे कोई नेतागिरी का शौक नहीं था, न मैं कोई नेता था, मैं तो एक आम आदमी था, लेकिन जब आपके बीच में आया हूँ और आपका प्यार सभी का मुझे इसी तरह मिलता रहा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं कुछ कर पाऊँगा। आप लोगों का इस तरह जो प्यार मिल रहा है उसी तरह मुझे बाद में भी मिलता रहा, तो सारे काम यानी सफाई है आज बहुत सारी यानी इतनी हालत ख़राब है उसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, और जब सब लोगों का साथ रहेगा तो कोई काम इतना आसान मतलब बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है, और सभी जब मिलकर करते हैं तो पूरी तरह असंभव कर पाते हैं।